किसान साथियों जय जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपको मछली पालन की दुनिया में। आप पुष्प राठे को मछली पालन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं होगा, बस लोगों को टच करना होगा और लोगों के बाद आपको बहुत सारे वीडियोज दिख जाएंगे। आज का जो टॉपिक है, क्योंकि अभी सीजन बारिश का चल रहा है, तो मैंने इसी टॉपिक को उठाया कि बारिश के दिनों में आपकी मछलियाँ आखिर मरती क्यों हैं। कई बार आपके टैंकों में या कई बार आपके पॉन्ड्स में, तालाबों में ये देखने को मिलेगा कि आपकी मछलियाँ ऊपर आकर के तैर रही हैं। तो ऐसा होता क्यों है? कई बार ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में यदि हम अपने तालाबों में या नर्सरी पॉन्ड में मछली स्टॉक करते हैं, तो उस समय भी मछली में अच्छी खासी जो है मॉर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो मोरल ऑफ द सेंस, कहने का मतलब कि आखिर बारिश के दिनों में ऐसी मछलियाँ अधिक मात्रा में क्यों मरती हैं, या आपकी मछलियाँ इतनी अधिक स्ट्रेस में क्यों रहती हैं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा और इसके इर्द गिर्द हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसका कारण क्या है, और कारण पता चलते ही आपको इसका निवारण पता चल जाएगा। तो बायोफ्लॉक्स पर यदि और आपको जानकारी चाहिए तो मैं आई बटन पर लिंक भेज दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और चैनल पर जाके भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, कमाल की वीडियो, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको अगले 4 से 5 मिनट में आपको डिटेल इसकी कहानी समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों होता है, और उम्मीद करता हूं आपको कि आप उससे अपनी समस्या का हल जो है पालेंगे। ये उन किसानों के लिए है जिनकी मछलियां अक्सर इस बारिश के दिनों में मरती हैं, या वो परेशान रहते हैं कि इस बारिश से बचने का तरीका क्या अपनाएं। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ये बायोफ्लॉक सिस्टम पर भी इम्प्लीमेंट होता है, और साथ में जो तालाबों में जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो है लागू होता है। जो लो डेंसिटी फार्मिंग करते हैं उनको तो इसका इफेक्ट कम पड़ता है, लेकिन जो हाई डेंसिटी फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे पॉन्ड कल्चर हो, चाहे सेमी बायोफ्लॉक हो, चाहे फुल्ली बायोफ्लॉक हो, तब आपको इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है, या इस सीजन का जो एक नुकसानप्रद पहलू है हाई डेंसिटी फार्मिंग करने वाले को देखने को मिलता है। लौटते हैं टॉपिक पे कि ऐसा होता क्यों है, अक्सर क्या होता है। ये जो बारिश के दिन है, अक्सर हम लोग जो कल्चर स्टार्ट किए रहते हैं, समझ लीजिए वो या तो मार्च या अप्रैल से स्टार्ट किए होते हैं, तो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना या 3 महीना, किसी ने अप्रैल से स्टार्ट किया हो तो 3 महीना, किसी ने मार्च से स्टार्ट किया हो तो 4 महीना। तो 3 और 4 महीने में आपके टैंक में अच्छे खासे जो है स्लज बैठने लग जाते हैं। यदि आप तालाबों की बात करें तो नीचे अच्छी खासी लकड़ी जो है जमा हो जाती है, और छोटे छोटे बबल्स आपके बीच में फूटते रहते हैं। और यदि मैं बायोफ्लॉक टैंक की बात करूं तो इसमें तो स्लज बनते हैं, जो मैंने पिछले वीडियोस में डाले हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। पिछले वीडियो मैंने स्लज की कितने अधिक बैठते हैं और उसे कैसे रिमूव करते हैं, मैं इस पर एक पार्ट बना चुका हूं, दूसरा पार्ट भी इस पर बनाने वाला हूं, तो आप ये वीडियो भी देख लीजिए, आपके काफ़ी कुछ काम जो है आ जाएंगे। तो ये हो गया। तो मेनली पहला कारण इसका कि अधिक मात्रा में स्लज या नीचे जो है वेस्टेज का जमा हो जाना। इसका उपाय क्या है? यदि आपका बायोफ्लॉक सिस्टम है या कोई टैंक सिस्टम है, जैसे मैं सेमी बायोफ्लॉक और फुल्ली बायोफ्लॉक दोनों की बात करूं, तो आप जो है, जो मैंने मशीन चलाए हैं, मशीन चला के जो मैं स्लज इकट्ठा करता हूं, या जो एयर लिफ्ट है वो भी आप चलाते रहने दीजिए, पर एयर लिफ्ट से सारे कचरे नहीं आते, तो इसलिए आप इस सिस्टम से उन जगहों पर जहां पर आपके स्लज इकट्ठा हो उसे आप बाहर कर दीजिए। अब महीना में इसे एक बार आप कर लीजिएगा। ये हो गया पहला कारण और उसका निवारण। दूसरा कारण, बारिश के दिनों में कई बार जब बारिश अधिक होती है तो ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और टेम्परेचर जो है स्लो डाउन हो जाता है। मछलियां टेम्परेचर को लेकर भी काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। जब अचानक से पानी में टेम्परेचर बदलता है तो मछलियां काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश रुकती है या बारिश से पहले का जो सीजन होता है, जो टाइम होता है, वो काफ़ी उमस से भरा या एकदम ह्यूमिडिटी या बहुत अधिक टेम्परेचर से भरा होता है। और मछलियों की फितरत है, उनके जीन्स में बात है कि जब भी बारिश होएगी, पानी ओवरफ्लोडेड होगा, तो मछलियां तैर कर दूसरे जगह पे जाएंगी, शिफ्ट करेंगी। ये उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक टाइम होता है, ताकि वहां अपने छोटे बच्चे दे सके, अंडे दे सके, और वहां अपना जो है जनसंख्या बढ़ा सके। तो इसलिए इस सीजन में जो है मछलियां काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं। रीज़न उनके जेनेटिकली असर है कि बारिश होगी तो उनके नए जगह जाने का या नया प्रवास करने का एक समय मिल जाएगा, ताकि वहाँ अपने जाकर के नया भोजन, नया स्थान और नए माहौल में उनको पलने का, ग्रोथ होने का एक मौका मिलेगा। ये उनके जीन्स में है ये बातें, तभी जब बारिश होती है तो मछलियाँ दूसरी जगह तक पहुँच जाती हैं। इसे माइग्रेशन बोलते हैं, और कई सारे जीवों में होता है, इंसान भी करते हैं, बहुत सारे पक्षियाँ विदेशों की हमारे यहाँ आती हैं तालाबों में, खास करके गर्मी के टाइम में आप देखे होंगे,
या सॉरी विंटर के टाइम में देखोगे जब वहाँ मौसम बदलता है, बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, तो हमारे यहाँ जाते हैं क्योंकि यहाँ अच्छी खासी फीड होती है और उनके लायक माहौल रहते हैं। तो ऐसा मछलियों में माइग्रेशन देखने को मिलता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जाना। तो ये होगा दूसरा कारण। और इस कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके जीन्स में है, तो वो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा क्योंकि बारिश को हम रोक नहीं सकते, मछलियों के जीन्स को हम बदलाव नहीं कर सकते, वो नेचुरल बिहेवियर है। इसके बाद तीसरा, आपके पीएच का फ्लक्चुएट हो जाना। अक्सर होता क्या है कि बारिश का जो पानी है उसका पीएच कम रहता है, 5.6 टू 6.5 मैक्सिमम, 7 से नीचे ही रहता है। और हमारे टैंकों का जो पानी है बहुत सारे जगहों में वो 7.6 मतलब 7.5 से ऊपर ही होता है, कई कई जगह तो 9 ppm तक का होता है। तो हाई पीएच के पानी में यदि बारिश का पानी आता है तो वो लो पीएच रहता है, तो पीएच को शट डाउन करता है और कई बार अचानक से बढ़ा भी देता है, यानी कि फ्लक्चुएट करता है, हिलाता है। तो पीएच के यदि 1 ppm हिल जाए तो आपको क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर मैं वीडियो आपको अगले टॉपिक्स पे अगले दिन में बनाने का प्रयास करूंगा। मैं पीएच पे आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि अभी उसको समझने की ज़रूरत है। तो चाहे आप तालाब में मछली पाल रहे हो, चाहे ओपनली बायोफ्लॉक में टैंक पाल रहे हो, जैसे हम लोग ओपनली बायोफ्लॉक में कल्चर करते हैं, तो यहाँ पीएच काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये स्थिति मछली को परेशान करती है, बेचैन करती है, कई बार मछली में मोर्टलिटी स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी आपके एक मरने का कारण है। तो आपको क्या करना होगा मछली की मोर्टलिटी रोकने के लिए, चूना जो होता है, चाहे आप CaCO3 बोले, चाहे चूना बोले, चाहे डोलोमाइट बोले, जो भी आपके एरिया में इजिली सस्ते अवेलेबल हो, यदि आप जिंदा चूना यूज कर रहे हैं तो उसे थोड़ा पानी में भिगा करके 2 से 4 घंटे के लिए रख दें, जब वो ठंडा हो जाए तब जाकर के उसे छिड़काव करें। यदि एग्रीकल्चर लाइम ले रहे हैं या CaCO3 ले रहे हैं या डोलोमाइट ले रहे हैं, तब आपको ये सब सोचने की जरूरत है, डायरेक्टली आप अपने टैंक में इंप्लीमेंट कर सकते हो। आपकी तालाब है तो तालाब में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। मात्रा क्या होनी चाहिए, 10,000 लीटर टैंक के लिए आप 500 ग्राम चूज कर लीजिए, यदि आपका टैंक सिस्टम है कोई दिक्कत नहीं। यदि आप तालाब सिस्टम है तो 1 एकड़ में 50 किलो तक आप इसकी छिड़काव कर सकते हैं। इसे आप चाहे तो हर 15 दिन में आप अपने तालाबों में या टैंकों में छिड़काव कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है ज़्यादा, इसके फायदे ही होते हैं क्योंकि पानी को साफ करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है और पानी के पीएच को एक बफर जोन देता है, एक स्टेबल पोजिशन देता है ताकि पानी फ्लक्चुएट ना हो पीएच उसका। तो मेनली 3 कारण है जिसके कारण आपकी मछलियाँ काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं। इसके अलावा जो चौथी कारण है वह ऑक्सीजन का शट डाउन हो जाना। एक्चुअल में होता क्या है, जो फाइटोप्लैंकटन्स होते हैं वो पानी में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जो कि मछलियाँ उसे जो है यूज करती हैं, इनर ब्रीदर मछलियाँ या एयर ब्रीदर मछलियाँ उसे यूज करती हैं। लेकिन बारिश के दिनों में क्या होता है कि आपकी धुंध छाई रहती है, बदली छाई रहती है, तो आपके सूर्य अच्छे से दिखते नहीं हैं, तो फाइटोप्लैंकटन्स उतने अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पैदा नहीं कर पाते जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है। इस पोजीशन में भी क्या होता है, आपके टैंक में ऑक्सीजन का शट डाउन हो जाता है और मछलियों को फिर शौक लगता है और मछलियाँ आपकी ऊपर आ जाती है। यदि आप बायोफ्लॉक टैंक की बात करें तो यहाँ बारिश के दिनों में पानी के वाटर पैरामीटर जो है हिल जाते हैं और वो वाटर जो है ऑक्सीजन को होल्डिंग कैपेसिटी जो उनकी रहती है, बांध के रखने की जो क्षमता रहती है, वो घट जाती है, इसलिए भी आपके टैंक में ये प्रॉब्लम होते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि बारिश में मछली के मरने का कारण आप समझ गए होंगे और यदि कारण आप जान गए होंगे तो उसके निवारण भी आप इजली आप ढूंढ लेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब भी कारणों पर बात करते हैं तो निवारणों पर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता होती नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कोई टॉपिक आपको मैच नहीं खा रहा है या मेरे से कुछ छूट गई होगा या मेरे से कुछ गलती हो गई, तो बिल्कुल आप मुझे अगले वीडियो में या कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख करके भेजें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहर, नमस्कार।